आज बुलाया गया, जैसा उन्होंने बोला था कि हम लोग 3 तारीख के बाद अभी बुलाएंगे, उसके बाद उन्होंने आपको बुलाया जी। उनके तरफ से जो सकारात्मक पहल अपनाई जा रही है वो लगातार हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें स्वीकार्य भी है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने जितना लंबा अनशन किया उस अनशन के बाद हमें एक सकारात्मक परिणाम दिख रहा है सामने, लेकिन इस परिणाम में भी हमें सिर्फ एक आश्वासन ही मिला है और इसीलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि उनका रिजल्ट जो है वो 10 नवंबर को आने वाला है इलेक्शन का, और 10 नवंबर तक से उनका रिजल्ट आने के बाद अगर हमारी रिजल्ट 15 नवंबर तक से नहीं दी जाएगी, क्योंकि केवल हम मेधा सूची मांग रहे हैं, हम नियुक्ति अभी नहीं मांग रहे हैं, और इसीलिए हमारी मेधा सूची अगर 15 नवंबर तक से नहीं आती है तो 16 नवंबर को हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि कांग्रेस ऑफिस में ही धरने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो 15 नवंबर की आप जो बात बोल रहे हैं वो आपने जनता के सामने रखी है? बिल्कुल रखा है, लेकिन वो हमारे बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन नज़रअंदाज कब तक कर पाएंगे, क्योंकि 15 नवंबर को ये झारखंड दिवस है और माननीय जो हम लोग बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं शहीद बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, और उस दिन हम लोगों ने ठाना है कि सामूहिक रूप से पूरे झारखंड में बेरोजगार दिवस भी मनाएंगे अगर 15 नवंबर तक से हमारी नियुक्ति नहीं आएगी। तो ये जो बेरोजगार दिवस आप मनाएंगे 15 नवंबर को, वो किस सत्ता को मतलब पत्थर फाड़ने के बारे में? बिल्कुल हम समर्थन में रहेंगे इन्हीं का, लेकिन चूंकि हमें ये हमारे हमारे लिए ये सरकार हमदर्द बनी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह हमदर्दी हमें एक समय सीमा के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। एक और सवाल है, जैसे कि अभी जितना कुछ भी आप लोगों ने किया 12 दिन मोराबादी में बैठे, बहुत ज़्यादा तकलीफों को फेस करना पड़ा हम लोगों को, तो क्या लगता है कि फिलहाल कांग्रेस की सरकार नहीं है केंद्र में, कांग्रेस की सरकार नहीं है, और वैसे नियुक्ति आपको राज्य सरकार दे सकती है राज्य में आपका? बिल्कुल, राज्य में चूँकि कांग्रेस की सरकार है और ये राज्य की नियुक्ति है, इसलिए सरकार के हाथों में सब कुछ है, क्योंकि इस सरकार से कोई ऊपर नहीं है, ये सरकार जब चाहेगी जैसे चाहेगी हमारी नियुक्ति करवा सकती है, फिर भी विलंबता हो रही है, और इसी कारण से हम लोगों ने उनको एक डेडलाइन दिया है कि 15 नवंबर तक से अगर हमारी नियुक्ति नहीं कराई जाएगी तो हम सामूहिक रूप से इस बार बेरोजगार दिवस मनाएंगे और कांग्रेस ऑफिस के सामने हम लोग कांग्रेस ऑफिस में ही 16 नवंबर से धरना शुरू कर देंगे।